5 बजे से सभी विद्यार्थी बोर्ड की साइट पर देख सकते हैं। इस परीक्षा में लगभग 3.25 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया है और इस संबंध में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उन सबके लिए निर्देश भी है कि अति शीघ्र अपने 11वीं में एडमिशन लेने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करें, ज्वाइन स्कूल खोलें, एडमिशन लें। और जो किसी कारण से कुछ विद्यार्थी रह गए हैं, किसी कंपार्टमेंट आई है, तो कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थियों को 3 चांस दिए जाएंगे, इसी वर्ष में दिए जाएंगे, एक बार जुलाई में, एक बार सितंबर में, एक बार मार्च में। और ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जो किसी कारण से इस वर्ष में पूरा नहीं कर पाए, कंपार्टमेंट भी नहीं आई और एक से अधिक विषयों में रह गए हैं, तो ऐसे सब विद्यार्थी अगले वर्ष मार्च में अपने उन सब्जेक्ट के साथ आए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी की बात कही गई है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उसको लागू कर दिया है। तो अगले साल जिन विद्यार्थियों के 2, 3, 4 सब्जेक्ट जो भी रह गए हैं, उसके साथ मार्च में अप्लाई करें, मार्च में परीक्षा दें और ऐसे 7 चांस में वो परीक्षा पास कर सकते हैं।